तो आप सभी लोगों को मेरे YouTube चैनल स्मार्ट बिजली वाला में स्वागत है। और आप लोगों को आज मैं बाईपास सीरीज बोर्ड को कैसे कनेक्शन होते हैं, कैसे यूज होता है, उसके बारे में बताने जा रहा हूं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सीरीज बोर्ड, तो उसके लिए हमें एक स्विच की ज़रूरत पड़ती है जो नॉर्मली स्विच अपने घरों में लगते हैं उसके, और एक सॉकेट की ज़रूरत पड़ती है, चाहे सॉकेट 16 एम्पियर हो या 6 एम्पियर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो स्टार्ट करते हैं। तो वन वायर, जो पहली वायर है उसको हम स्विच के एक टर्मिनल में लगाते हैं, और सॉकेट के दूसरे टर्मिनल में लगाते हैं। कोई किसी में लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दूसरी वायर है उसको हम स्विच के दूसरे टर्मिनल में लगाते हैं, और सॉकेट के दूसरे टर्मिनल में लगाते हैं। स्विच की पहली वायर मैंने सॉकेट के पहले टर्मिनल में लगाई थी, स्विच की सेकंड टर्मिनल की वाली वायर स्विच सॉकेट के दूसरे टर्मिनल में लगाई है। और ये बीच का जो हमारा ग्राउंड अर्थिंग के लिए होता है, अभी फ़िलहाल के लिए मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं अभी सिर्फ वीडियो के पर्पज़ के लिए ही ये कनेक्शन कर रहा हूँ। और एक इसके लिए बल्ब चाहिए होता है, तो बल्ब की जो पहली वायर है मैं जो सॉकेट की पहले टर्मिनल में जो वायर लगी है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। दूसरी बार दूसरे टर्मिनल में कर देंगे। तो हमारी सप्लाई की वायर है, सप्लाई बोर्ड के साथ, सप्लाई वाली वायर के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे, जो कि होल्डर की बल्ब की जो दूसरी वायर है उसको, तो जो मेन सप्लाई आ रही है ये वाली जो कि हम अपने बोर्ड में लगाएंगे, ये सप्लाई इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं एक वायर को, और इसकी दूसरी वायर जो हमारी मेन सप्लाई वाली वायर है उसकी दूसरी वायर हम सॉकेट के दूसरे टर्मिनल में लगा देते हैं। कृपया करके वीडियो को स्किप ना करें, छोड़ के ना जाएं। लास्ट में मैं दोबारा से इसको अच्छी तरह समझा दूंगा, वीडियो लंबी ना हो इसलिए थोड़ा फास्ट करना पड़ रहा है मेरे को। स्विच के पहले टर्मिनल की वायर यहाँ जोड़ी है, दूसरे टर्मिनल की वायर यहाँ जोड़ी है, और जो ये हमारा होल्डर है, बल्ब है, और इसकी पहली वायर हमने जो मैं स्विच की पहली वायर जोड़ी उसके साथ कनेक्ट करी है, दूसरी वायर इसको जो हमारी मेन सप्लाई की वायर है उसके साथ कनेक्ट कर दी है, और जो मेन सप्लाई की हमारी जो दूसरा मेन वायर है उसको ये सॉकेट के दूसरे टर्मिनल लगाते हो। अब इन दोनों वायरों को, होल्डर की और मेन सप्लाई की वायर के, आप इधर भी लगा सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इधर लगाओगे तो इसके टर्मिनल जो छोटे होते हैं इसके कारण वायर इधर उधर बिखरी रहेगी, इसलिए मैंने इधर लगाई है, और इसलिए कनेक्शन पूरा हो चुका है। और इसको टाइटली, हमेशा टाइट यूज करें, टेप लगाएं। सेफ्टी फर्स्ट, ये वायर हमारी वायर है जो कि हमारा ये बोर्ड रखा है जो जिसमें मेन सप्लाई आ रही है,
220 सप्लाई आ रही है सिंगल फेस, इसमें कनेक्ट कर देते हैं। स्विच को ऑन करते हैं, सप्लाई यहाँ पे आ चुकी है। जब भी हम स्विच को ऑन पोजीशन में रखेंगे तो हमारा चालू हो गया है बल्ब। ये हमारा बल्ब डायरेक्ट सप्लाई से जल रहा है। इसको सीरीज के चेक करने के लिए हम इसी बल्ब को सिर्फ ए वन बल्ब वन होल्डर को ही सीरीज बोर्ड बनाते हैं और डायरेक्ट भी रखते हैं, जिसे हमें डायरेक्ट जलाना होगा तो दूसरे हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है दूसरे बल्ब को, दूसरे स्विच सॉकेट के लगाने के लिए हमें सीरीज करना होगा। तो इसी बल्ब को हम इसको अपने स्विच को ऑफ करेंगे, स्विच ऑफ पोजीशन में है, स्विच ऑफ पोजीशन में है इस टाइम, और इसी को हम यह सीरीज चेक करते हैं। लॉक वाली सॉकेट है इसलिए थोड़ी परेशानी हो रही है मेरे को। इसको इस तरह डालेंगे इसको सीरीज चेक करने के लिए, ऐसे होता है। जब किसी की मोटर की या किसी की हम चेक करते हैं, यदि हम उसकी मोटर की दोनों वायर इसमें लगाएंगे, सीरीज चेक करने का तरीका है। यदि बल्ब हमारा जल गया तो मोटर ठीक है, और नहीं जला बल्ब तो मोटर ख़राब है। तो इस तरह कनेक्शन हमारे होते हैं। एक बार दोबारा फिर बता देता हूँ आप लोगों को, स्टार्ट पहली जो बल्ब की वायर है और स्विच की वायर है दोनों को सॉकेट में एक साथ लगा देते हैं, और दूसरी बल्ब की वायर को न्यूट्रल के साथ या फेस के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ज़्यादातर ध्यान रहे कि हमारा फेस के साथ नहीं हो, न्यूट्रल की ही साथ रहे दूसरी वायर को, जो कि हमें शॉर्ट लगने का चांस कम रहते हैं। और दूसरी जो हमारे जो मेन सप्लाई की ये वायर आ रही है उसको यहाँ लगाते हैं, स्विच की जो दूसरी वायर है उसके साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक, आप लोग समझ गए हों, अच्छी वीडियो अच्छी लगी हो, या थोड़ा भी समझे हों तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।